हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय दिव्य ज्ञान के आखिरी श्लोक 42 में अब आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से संवित होकर खड़े हो और युद्ध करो। लॉर्ड कृष्ण सेड टू अर्जुन, देयरफॉर द डाउट व्हिच हैव अराइज़न इन योर हार्ट आउट ऑफ इग्नोरेंस शुड बी स्लैश्ड बाय वेपन ऑफ नॉलेज। आर्म विद योगा ओ भारत, स्टैंड एंड फाइट। इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वो सनातन योग कहलाती है। इस योग में दो प्रकार के यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य यज्ञ, दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, आत्मबोध तथा श्री भगवान विषयक तत्व। जो श्रीमद् भगवद गीता के मार्ग का पालन करते हैं वह ज्ञान की दोनों श्रेणियों को समझ सकते हैं। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। भगवान निश्चित रूप से परम पुरुष है, उनके कार्यकलाप भी दिव्य हैं। जो समझता है वह श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन शुभारंभ करते ही मुक्त हो जाता है। और इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय दिव्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। कल से शुरू करेंगे पांचवा अध्याय जिसका नाम है कर्मयोग, और जानेंगे कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से आगे क्या प्रश्न किया। तब तक मेरे साथ प्रेम से कहिए हरे कृष्ण राधे राधे, और धन्यवाद।